हेलो फ्रेंड्स, स्वागत हमारे जीएसएम राकेश चैनल पर। तो फ्रेंड फाइनली हमारे पास आ चुकी है माइक्रोस्कोप और ये मैकेनिक की होने वाली है। काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर मॉडल है जो कि बहुत सारे लोग अभी तक इसी मॉडल को यूज कर रहे हैं। ब्रांड तो पॉपुलर है ही है बट जो मॉडल है वो भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने वाला है। तो इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, इसका रिव्यू करेंगे, दिखाएंगे और इसमें जो क्या क्या साथ में मिलता है वो सब कुछ आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, उसके बाद आपको बताऊंगा कि ये आपको कहां से परचेस करना है और इस पर एक ऑफ़र भी है, वो ऑफ़र भी आपको इसी वीडियो में जानने के लिए मिलेगा। तो आप वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। तो इसकी सबसे पहले हम अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और अनबॉक्सिंग के साथ साथ इसका रिव्यू भी आपको दिखाने वाले हैं। वैसे तो रिव्यू ऑलरेडी आपने YouTube पर बहुत सारी वीडियो का देख रखा होगा इस मशीन का, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर मशीन है, बहुत ज़्यादा लोगों ने इसे यूज किया है। और हमेशा याद रखें कि अगर कोई भी महंगा प्रोडक्ट खरीदते हैं तो वो आप उसी को ख़रीदें जो कि पॉपुलर हो, जो बहुत सारे लोग यूज कर रहे हों। तो यहाँ पर जो डिब्बा है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो इसको मैं निकाल देता हूँ सावधानी से। तो यहाँ पर एक सबसे पहले एक गाइड मिलती है, इसमें आपको ये बताया जाता है कि इसे कैसे सेट करना है, कैसे लगाना है, कैसे यूज करना है। ये चाइनीज लैंग्वेज में है, यहाँ पर टोटली चाइनीज है, तो इसे आप समझना चाहें तो समझ सकते हैं इमेज देखकर, बाकी का तो यहाँ पर इंग्लिश का नाम ही नहीं है। तो इसे रख देते हैं, उसके बाद यहाँ पर इसे देखते हैं। यहाँ पर कुछ सामान यहाँ पर भी रखा हुआ है, तो ये सारा टेप से कवर है, ये इसकी लाइट है और इसका जो कंट्रोलर है इसके साथ ही सारा सब कुछ पैकेज आता है पूरा। ये कंट्रोलर है, तो इसे वन बाई वन चेक करके भी दिखाएंगे। तो ये है माइक्रोस्कोप का स्टैंड जो कि काफ़ी अच्छा बेस है और काफ़ी हैवी मशीन है। ये माइक्रोस्कोप है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी है, तो इसे मैं रख लेता हूँ सारा सामान को, उसके बाद आपको दिखाऊंगा कि इसके साथ साथ क्या क्या मिलता है। यहाँ पर CCTV लेंस भी मिलता है, इसमें कैमरा कनेक्टेड हो जाता है यहाँ पर, तो मैं सारा सब कुछ दिखाऊंगा। और इसके साथ साथ एक लेंस मिलता है इसमें, तो ये 0.5x जूमिंग का है, तो इसमें जो जूमिंग है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, जो 0.7x होता है उसमें जूम कम होता है, उसमें स्पेस कम मिलता है, और जो 0.5x है उसमें जूम ज़्यादा होता है। तो इसमें 0.5 लेंस मिलता है जो कि आप आसानी से SMD मशीन को यूज कर पाएंगे। बाकी का यहाँ पर सारा प्रोडक्ट, सारा कंप्लीट पैकेज आता है। तो वैसे तो आपने इसका जो असेंबल का वीडियो है ऑलरेडी देखा होगा, बट मैं इसमें ज़्यादा असेंबल नहीं करूँगा और मेरे लिए भी ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है, फर्स्ट टाइम अनबॉक्सिंग की है, फर्स्ट टाइम यूज कर रहा हूँ। तो इसे मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं कंप्लीट करने के बाद आपको दिखाऊंगा कि इसमें क्या क्या आपको देखने के लिए मिला है और इसमें जो ऑफ़र है वो क्या होने वाला है। साथ ही यहाँ पर एक इसका बैग मिल जाता है, अगर आप काम कर रहे हैं और काम करने के बाद आप इसे कवर कर सकते हैं, इसमें कोई भी धूल माटी नहीं जाएगी। तो ये बैग मिलता है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। तो यहाँ पर मैं सब कुछ कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद आपको आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ। तो
तो फ्रेंड फाइनली हमने कंप्लीट कर लिया है इसका सेटअप। अगर आप फर्स्ट टाइम इसे सेटअप कंप्लीट करते हैं तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, थोड़ा सा इतना हार्ड भी नहीं है, आसानी से हो गया था सारा। इसके स्क्रू ड्राइवर और स्क्रू इसके साथ में मिल जाते हैं, बाकी का इसका फर्स्ट लुक कुछ इस तरीके का। इसे आप कहीं पर भी रोटेट कर सकते हैं और जहाँ पर आप काम करना चाहते हैं वहाँ पर आप इस पर काम कर सकते हैं। और इसमें जो 0.5 का जो लेंस है उसकी काफ़ी ज़्यादा हाइट बढ़ जाती है, आप चाहें तो और ऊपर को इसे बढ़ा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ तक काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिल जाता है इसका ऊंचाई और काम करने का तो अच्छे से काम हो जाएगा। यहाँ पर SMD मशीन है वो अच्छे से काम कर जाएगी, आप जितना चाहें उतना कर सकते हैं 5x जूम में, और काफ़ी अच्छा इसका जूमिंग है। तो इसका मैं अब आगे से इसका मॉडल दिखा देता हूँ। तो ये मैकेनिक का आपका पुराना थोड़ा मॉडल पुराना है मगर पॉपुलर मॉडल है। इसका जो मॉडल है वो है MC75T, तो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर मॉडल है। और आप अगर आप माइक्रोस्कोप लेने की सोच रहे हैं तो इस मॉडल को ले सकते हैं। कुछ लोगों का डाउट ये भी रहेगा कि मार्केट में अब 3D यहाँ पर माइक्रोस्कोप आ चुकी हैं, तो आप चाहें तो 3D माइक्रोस्कोप भी ले सकते हैं, बट 3D और जो नॉर्मल माइक्रोस्कोप होती हैं उसमें ज़्यादा बड़ा कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। मैंने बहुत सारे रिसेलर से पूछा तो उन्होंने बोला था कि 3D और जो नॉन 3D है उसमें ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, सेम ही होती हैं, क्वालिटी है वो ज़बरदस्त होती है और ब्रांड तो है ही है। बाकी का आप कोई भी कंपनी का लेते हैं तो वो 14,000 से स्टार्टिंग होती है माइक्रोस्कोप। तो अगर आप 14,000 रुपये डालकर कोई माइक्रोस्कोप खरीदते हैं तो मुझे लगता है कि यहाँ पर 3,000 रुपये और डाल के इस माइक्रोस्कोप को ले सकते हैं, क्योंकि इसमें जो क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है और थोड़ा ब्रांड का भी फर्क पड़ जाता है। ब्रांड भी आपको अच्छा मिल जाएगा, अच्छा क्वालिटी, अच्छा मशीन मिल जाएगा। और अब यहाँ पर बात कर लेते हैं इसे बाय कैसे करना है। तो आप इसे अभी बाय करते हैं तो आपको इस पर एक ऑफ़र मिलेगा, इसका जो प्राइस है वो 17,000 रुपये है। और इसके साथ साथ आपको यहाँ पर एक यहाँ पर मैट इसके साथ फ्री मिलेगी, ये वाला मैट है ये आपको फ्री मिल जाएगा, प्लस यहाँ पर आपको कोई भी कोरियर चार्ज नहीं देना है। तो ये ऑफ़र आपको न्यू ईयर के 10 जनवरी तक ये रहेगा, तो जब तक आप चाहें इस मशीन को मंगा सकते हैं, आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है, क्योंकि इसका जो कोरियर चार्ज है वो सारे लोग, सारे रिसेलर डिस्ट्रीब्यूटर जो भी हैं वो सारे लेते हैं, क्योंकि इसका जो वेट है और इसमें जो वजन है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो उसका जो कोरियर चार्ज है करीब 500-600 रुपये जो भी बनता है वो यहाँ पर चार्ज जाता है। बट अगर हमारी वीडियो को देख कर लेते हैं इस मशीन को तो आपको कोई भी कोरियर चार्ज नहीं देना है, प्लस इसे एक मैट आपको फ्री मिल जाएगी। तो ये सारा कंप्लीट है यहाँ पर सेटअप, ये यहाँ पर इसकी जो लाइट है वो भी यहाँ पर फ्री मिलती है, इसका अडेप्टर है लाइट का वो फ्री मिलता है। इसके साथ कंप्लीट यहाँ पर प्रोडक्ट है, CCTV लेंस भी मिलता है। अगर आप कैमरा लगाना चाहते हैं, आप वीडियो बनाते हैं तो यहाँ पर कैमरा लगा सकते हैं, आपको कोई भी CCTV लेंस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पर दो रबड़ एक्स्ट्रा मिलती हैं, जो आपको चॉइस अच्छी लगे वो आप इसे यूज में ले सकते हैं। बाकी का इसकी वीडियो क्वालिटी दिखा देता हूँ, वैसे तो आपने देखा होगा इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है, पॉपुलर मॉडल है, तो यहाँ पर तब भी मैं दिखा देता हूँ, बट आपको दिखाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जो ब्रांडेड मॉडल होता है उसमें दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई नया मॉडल लॉन्च होता है उसमें दिखाने की ज़रूरत पड़ती है, बाकी का पॉपुलर मॉडल तो है ही है। तो आप चाहे तो इसे परचेस कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, फिर व्हाट्सएप के थ्रू भी आप इसे कोरियर थ्रू मंगा सकती हैं। तो आज की वीडियो में बस।